रोग समाधान में आपका स्वागत है। आज हम आपको आंखों की खुजली के लिए कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। पहले उसके आपको कारण बताए जाएंगे, उसके लक्षण बताए जाएंगे, फिर घरेलू उपाय। हम आंखों की खुजली के कुछ कारण बताने जा रहे हैं। नंबर एक, बहुत अधिक समय टीवी देखने से भी हो सकती है। नंबर दो, कंप्यूटर स्क्रीन पर पास से लगातार काम करने से भी हो सकती है। नंबर तीन, अधिक पढ़ते रहने से भी हो सकती है। नंबर चार, कई बार हवा में हानिकारक प्रदूषक होते हैं, जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो उससे भी यह हो सकती है। कुछ आपको कारण बताए हैं, आप इनसे बचें जिससे आपकी आंख सुरक्षित रहे। हम आपको आंखों की खुजली के लक्षण बताने जा रहे हैं। नंबर एक, एक आंख या दोनों आंख में जब खुजली शुरू होती है तो आंख लाल हो जाती है। नंबर दो, आंखों की जो पलके हैं वो सूज जाती हैं। नंबर तीन, आंखों में पानी सा निकलने लगता है। नंबर चार, आंखें खोलना कठिन हो जाता है और रोगी प्रकाश सहन नहीं कर सकता। तो ये आपको कुछ लक्षण बताए जिनसे आप इनसे अनुमान लगा सकते हैं कि आपको आंखों में खुजली शुरू होगी या ये कोई आंख का रोग है। आंखों को रोगों से बचाने के लिए कुछ जरूरी सुझाव दिए जा रहे हैं, आप इनको अपनाइए। नंबर एक, प्रतिदिन पानी के साथ अपनी आंखें धोएं। नंबर दो, अपने हाथों की हथेलियों को जब तक आंच में रख लें जब तक वो गर्म ना हो जाएं, और फिर अपनी हथेलियों को अपनी आंखों को ढकें। यह आंख की मांसपेशियों को आराम करने में सहायता करता है। नंबर तीन, अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की रोशनी को कम करके रखें ताकि आंखों पर गंदा असर ना पड़े। नंबर चार, आंखों को धूल से, मिट्टी से और सूर्य की तेज किरणों से बचाना चाहिए। लगातार काम करते समय बीच बीच में आंख को आराम देते रहें। ये आपको कुछ आंखों की सुरक्षा के लिए, आंखों को रोगों से बचाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए, आप इनको अपनाते रहिए। यह सुझाव भी आंखों को रोगों से बचाने में आपकी सहायता करेंगे। घरेलू उपाय में जो आपको बता रहे हैं, नंबर एक, माजू फल और छोटी हर दोनों को पानी में पीस कर आंखों में लगाने से खुजली दूर होती है। नंबर दो, हर रोज सुबह गाय का ताजा मूत्र 2-3 बूंद डालने से भी आंखों में खुजली में आराम मिलता है। नंबर तीन, गुलाब जल, शुद्ध गुलाब जल है, उससे 2-3 बार 2-2 बूंद आंख में डालने से और उसी गुलाब जल में पानी मिलाकर आंख धोने से भी आपकी आंखों की खुजली और लालिमा में आराम मिलता है। ये आपको कुछ घरेलू उपाय बताए, अगर आप इनसे लाभ हो तो आप दूसरों को बताएं।